बेरहम बारिश ने हिमाचल के विभिन्न हिस्सों में ली 18 लोगों की जान। मंडी, चंबा व कांगड़ा जिला में हुआ सबसे ज्यादा जान माल का नुकसान। चंबा के भटियात में भूस्खलन की चपेट में आए मकान में माँ बाप के साथ बच्चे की भी गई जान। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला में बारिश से 13 लोगों की मौत व 9 के लापता होने की खबरें। कांगड़ा के चक्की रेलवे पुल के टूटने तो चंबा पठानकोट रोड पर जमीन धंसने से बस लटकने के वीडियो भी आए सामने। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ सिरमौर के प्रवास पर मौजूद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बारिश व भूस्खलन की चपेट में आए लोगों की मौत पर जताई गहरी संवेदना। भारी बारिश व भूस्खलन के चलते शनिवार को हिमाचल के विभिन्न हिस्सों में जानकारी के अनुसार 18 लोगों की जान गई और लोग इसी देवभूमि पर शनि का साया होने को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा सूबे में जहां 9 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं, वहीं करोड़ों की सरकारी व निजी संपत्ति का भी नुकसान हुआ है और 350 के करीब सड़कों पर आज बारिश की वजह से यातायात प्रभावित रहा। मंडी जिला में मुख्यमंत्री के गृह विधानसभा क्षेत्र सराज के अलावा गोहर व द्रंग में भी बारिश अथवा बादल फटने जैसी स्थिति से भारी नुकसान हुआ और इलाकों में 13 लोगों की मौत के साथ साथ 9 के लापता होने की भी खबर है। चंबा जिला के भटियात उपमंडल के चुड़ाना गाँव में जहाँ मकान के भूस्खलन की चपेट में आने से माँ बाप सहित महज 15 साल के मासूम की दर्दनाक मौत हो गई, वही कांगड़ा के शाहपुर में भी बेरहम बारिश ने एक मासूम की जान ली। बारिश अथवा बाढ़ की चपेट में आने से जहां कांगड़ा का ऐतिहासिक चक्की रेलवे पुल बह गया, वहीं चंबा पठानकोट रोड पर पंचपुला के समीप जमीन धंसने से एक बस लटक गई और बड़ा हादसा बाल बाल बचा। पिछले 24 घंटे में अपना रौद्र रूप दिखा रही बारिश तथा इस साल गत वर्षों के मुकाबले बादल फटने की घटनाएं कहीं ज्यादा होने को लेकर कुछ लोग साइंटिफिक स्टडी अथवा सर्वे करवाए जाने की भी जरूरत जता रहे हैं। शनिवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ सिरमौर प्रवास पर मौजूद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उनके गृह विधानसभा क्षेत्र सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना जताई और प्रशासन को प्राकृतिक आपदा अथवा बारिश को लेकर अलर्ट रहने को कहा। पिछले दो दिनों से चंबा के भटियात क्षेत्र में और डलहौजी क्षेत्र में काफ़ी बारिश हुई है और इस क्षेत्र में बारिश अभी भी चल रही है और इससे खासकर हमारा जो रोड नेटवर्क है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। चंबा का जो एक्सेस है, चाहे वो मेन नेशनल हाईवे है, चाहे वो सीमटा की तरफ से है या जोत रोड है, वो सभी प्रभावित हुए हैं और अभी बंद हैं। विभाग द्वारा उनको खोलने का प्रयास लगातार जारी है, लेकिन क्योंकि बारिश लगातार जारी है और लगातार जो है वो नए स्लाइड्स हुए हैं, लेकिन विभाग जो है पूरी मशीनरी के साथ काम कर रहा है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी जो हमारे एटलीस्ट मेन आर्टरीज हैं जिले के उनको हम खोल देंगे। अभी जिले में लगभग 100 के करीब जो रोड हैं वो डिस्ट्रप्टेड हैं, उसमें से ज़्यादातर जो है वो सलूनी क्षेत्र है और भटियात क्षेत्र हमारा है। 290 के करीब हमारे जो ट्रांसफॉर्मर्स हैं वो अफेक्ट हुए हैं, उसमें से ज़्यादातर भटियात क्षेत्र में अफेक्ट। 3 लोगों का दुखद मृत्यु भी हुई है जो भटियात के बनेट क्षेत्र में हुई, जहाँ पे एक ही परिवार के 3 सदस्य थे, उनके घर में जो है मलबा घुस गया और उनकी मृत्यु हो गई, तो उनको रेस्क्यू कर दिया गया, उनका जो उनके शव है उनको निकाल दिया गया।